शिशु को ले गया दीदी। माँ बेटा भी बैठे हैं, मुझको फीड करा दो। बच्चा दूध मांग भी रही, भूखी हो रही है। ये देखो भाई, मम्मी बेटी बिल्कुल सेम लग रही हैं। आज तो सेम ड्रेसेस देखो, बिल्कुल सेम। दिखाओ एक बार अच्छे से। वाओ कितनी प्यारी लग रही हैं दोनों, नजर ना लगे दोनों को। मैं तो ये देखो मौसी बेटा, वहाँ देखो डांस कर रहा हूँ। इनके विचार मिलते हैं। भूमिक डांस कर रहा है। हाँ भूमिक देखो, मेरा क्यूटी पाई। भूमिक क्यूटी पाई हो आप? ये मेरी बच्ची छोटी सी क्यूट क्यूट कुटू राजा है, इसको अच्छे बात करें। ये मेरा बड़ा सा बच्चा क्यूटी कुटी, छोटा कुटू बड़ा कुटू। और भूमिक ने जो ऑर्डर किया था वो आ गया है। इसने फ्राइज ऑर्डर किए थे। थोड़े थोड़े तो ले लो। ये देख लो, टिशु को देख लो, इतनी पारी लग रही है आज। अरे मेन्यू देख देख के ना, सबने एक एक ऑर्डर करे तो इतनी ज्यादा सामान होगी। तो अंशु ने ऑर्डर किए मोमो, स्टीम मोमोज। मेरा डोसा एज यूजुअल। ये मेरे को मोमो शेयर किया है अंशु ने, वही रखा है। नहीं बस एक इनफ। और शेक आए हैं सबके, हम चलते हैं। थैंक यू दी, बहुत अच्छी पार्टी थी। ऐसे रोज करेंगे पार्टी। यस हम सबसे अलग थे, मामू सब ने ऐसे करा। किशू को कुछ खाने को नहीं मिला, बेचारी किशू। किशु की मम्मी को मिला है, ओवरलोड हो गया भाई पेट। सारे गाड़ी में बैठ गए। हमारे किशु हमको दे दिया भाई, उतरना से दे दो, फिर उतरेंगे जब ले लेना। नानू बार बार मैं क्या करना चाहिए। केश भी आज ड्राइविंग करेगी। कौन बस स्टैंड पूरी तो ले लो, चाहे सब्जी पूरी ले लेना, दाल वगैरह ले लेंगे ना। ज्यादा दुखी हो गए, दुकान भी तो सस्ती है। दाल तो भाई पास वाला पे मिल जाएगी। आगे सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने मैं और ज्योति दी और एमईटी को छोड़ने गए पूनम दी को आगे। बोली यहीं से ले लेते हैं, पास में पड़ेगा। तो फिर दालें और राशन वगैरह चीज़ें ले रही हूँ मैं। कुछ जो तेरी सब्जियाँ ले रही हैं। हम आगे सब्जी मंडी से सब्जी राशन सब्जी खरीद के और किशु को ले लिया है गोती दी ने। ये सोई मिली हमको, ये देखो सैटेलाइट मोड में एक पूरा घर और पूरा भिवानी देखते आए मामा बेटा। हम घर आ गए हैं और अभी डेडी आते लेट गए। क्या हुआ आपको? दवाई लेंगे इनके है ना, फीवर कोल्ड और सब कुछ हो रखा है, पूरा बॉडी पेन कर रही है। यीशु यहाँ पे देख रही है टुकड़ टुकड़। क्या हो रहा है, सब बीमार कैसे हो गए? ए, मामू को दे दे बेटा। अच्छा मामू को चाहिए, मुझको लगा यीशु को चाहिए। अच्छा यीशु को। भयंकर हेडेक होने लग गया था अभी, तो फिर ये दुपट्टा बांध रखे और दवाई ले लिया। तो इस वक्त यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट में। तब तक बाय बाय, टेक केयर। खड़े हो गए, खड़े हो गए। आज मेरे गर्दन में झटका आ रखा है, तो मैंने ये नेक रेस्ट, जो क्या बोलते हैं इसको, आर्म रेस्ट या नेक रेस्ट? नेक रेस्ट ही है, आर्म रेस्ट। हाँ तो नेक रेस्ट, ये पिल्लो को चुन्नी से टाइट बांध रखा है।
और किशु को उसके डैडी साथ में लेके आए ड्राइव करते करते, और ये सो भी गई। इसको क्या पता इसको इंजेक्शन लगने वाला है अभी। पहले इसको इंजेक्शन लगवा ले वैक्सीन मतलब, और फिर जाएंगे आगे मेरी गर्दन का इलाज कराएंगे कुछ। तो बच्चा उठा दिया गया है, बड़े सड़ा सा मुंह बना रहा है कि क्यों उठाया है भाई। बेटू जो आपने मेरे को उठा दिया, बेटू नहीं लगेगा आपको छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा इंजेक्शन। इसके हाथ मैंने कैसे बोल रही है, यहाँ जो खांसी थी तो मैंने इतने गर्म कपड़े पहना दिए लड़की को। दोनों मेरे पास दो एक। कितनी प्यारी लग रही है इस टॉप पे में ये। इसका कार्ड वगैरह। अभी ये बच्चा डर गया था क्योंकि एक बच्चे को इंजेक्शन लग गया और ये वो चिल्ला रहा था। 5 साल की बच्ची थी शायद, नहीं 5 साल की नहीं थी, 1.5 साल की थी। तो उसको सुन के इतना रोई ये, फिर इसके डैडी इसको लेके बाहर भाग गए, चुप कराया इसको। मेरे कैसे कट्टर जगह ले आए मम्मी डैडी आप मेरे को। तो अभी यहाँ वेद जी को दिखाया है अभी, और उन जैसे वो चनक तोड़ते हैं ना, तो वो चीज़ अभी यहाँ पे की है, तो थोड़ी रिलीफ फील हो रही है। और एमिली और किशु को अभी हम जा रहे हैं वापस घर पे, थोड़ा सा ठीक लग रहा है, नहीं तो पहले मूवमेंट नहीं हो रही थी बिल्कुल भी, पीछे तो बिल्कुल भी नहीं जाती करते, अब ठीक लग रहा है। डॉल मूवी में नहीं है वो। गलती मार गर्दन उल्टी पल्टी हो गई। राजपाल यादव है, राजपाल यादव वाला सीन याद आ गया। वो भागते भागते जैकेट उल्टी पहन लेता है और नीचे गिर जाता है, तो उसके दोस्त उसी गर्दन से सीधी करने के लिए ऐसे मोड़ते रहते बेचारे की। मेरे को यूं महसूस हो रहा था दर्द कितना हुआ होगा। तो अब मैं इसको अपनी डिग्री को वो करवा रहा था लेमिनेट, ठीक है। लेमिनेट में कराया ही हूँ, और इधर ये किशो जागी हुई है, किशो बच्चे जागा हुआ है रे, किशो बच्चे जागो पर बच्चा। ये माँ के घर पे टॉप आई है, काका जी आए हुए हैं। इंडस्ट्री में टॉप आई है। मैं बढ़िया सी चाय बना लेती हूँ सबके लिए, चाय का टाइम हो रखा है वैसे भी। तो काका जी चले गए थे फिर खाना खा के, और अब मैं नहा के बैठ गई हूँ मेरे किशु के पास में, क्योंकि आज इसको फीवर भी होना है वैक्सीन से, है ना गिचुड़ू। बट अभी तक तो ठीक है मेरा बच्चा। किशु शाम की है ना इतने परेशान हो रखी थी, रोए जा रही थी, सोए जा रही थी, फीवर हुए जा रहा था बच्चे को। अब ये ठीक है, बेटर फील कर रही है। अभी हम हमारे खिलौने के साथ खेल रहे हैं दोनों, है ना। यूं कहना चाह रही है किशु, इनने मना किया था कि अगली बार इंजेक्शन नहीं लगवाए, पर इनने फिर भी लगवा दिया मेरे को। देख लो गाइस, मम्मा ने भी इंजेक्शन लगवाया। हाँ मुन्ना क्या हुआ बताओ, बताओ क्या हुआ आपके साथ आज, बता दो बेटे क्या हुआ। ये डैडी बोल नहीं देंगे तब बताओगे ना। ये मेरे को पहले छान कर ले,
ये पार कर रहे हैं, पार कर रहे हैं। हाँ बोलिए है इसने। डैडी का बेटा हूँ मैं, मम्मा का बेटा भी हूँ, है ना? किजू डैडी का है, मम्मा का है। किसका बेटा बेटी हूँ? डैडी का ना, मम्मा का। मम्मा गई है ना, बताओ डैडी का। मम्मा का बेटा है? डैडी का नहीं, मम्मा का है। डैडी का बेटा है ना? नहीं मम्मा का बेटा है ना, है ना? किसी का बेटा है ना? किसी ने किचू डैडी का बेटा है ना? डैडी दिन नौजी बीच रहे तो मेरा बेटा है ना, डैडी का बेटा है, है ना? डैडी का बेटा है ना? दोनों की बेटी है। हाँ दोनों के प्यार भरी है, दोनों का बेटा हूँ मैं, दोनों का बच्चा हूँ। पाला पारा जा, इसका मुंह दिखने ही नहीं दे रहा अब। हाँ हाँ बोलो, कुछ कहना चाहोगे आप? तीनों जैसे ठोको आगे बैठे हो, है क्या हुआ? अभी अभी इसने मुंह बनाया, तीन इंजेक्शन लग गए और क्या? मुन्ना मुन्ना बाय गाइज, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय 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 बाय, नहीं बोलना बाय बाय बाय।